हेलो एवरीवन, आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम था 20 और 21 में, जो 8 शिफ्ट में, वो कंप्लीट हो चुका है। मैं एनालिसिस पूरा उसका नहीं दे पाई इस पे, बट अभी मैंने जितने भी सभी स्टूडेंट्स, जो मेरे भी स्टूडेंट्स कुछ देखे आए हैं एग्जाम्स, बाकी जितने भी लोग, जितने भी यूट्यूब चैनल्स पे सारी एनालिसिस, सारे क्वेश्चन, सभी के कॉमेंट्स पढ़ने के बाद, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आरआरबी में अब अगर हम बात करें, ये सबको पता होगा कि कौन सी शिफ्ट 4 शिफ्ट थी 24, 21 को 4 4 शिफ्ट थी, और उसमें से अगर हम 20 की बात करें तो इसमें आई थिंक जो थर्ड शिफ्ट थी वो हार्डेस्ट थी, और इसके आई थिंक जो फोर्थ शिफ्ट थी, क्योंकि इसमें ना इस वाली में पजल्स का रेशियो बहुत था, और ऑब्वियसली बात है पजल लगाने में टाइम लगता है। अगर आपको कोई इनइक्वालिटी और सिलॉग्स दे दे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो जल्दी से हो जाती है, और पजल लगाने में टाइम लग जाता है चाहे वो कितनी भी छोटी हो। इसलिए ये हार्डेस्ट है, और फोर्थ में भी कुछ इसी तरीके का हुआ था पजल में। अब अगर आपका रीजनिंग में स्कोर कम हो जाता है तो मैथ्स ऑब्वियसली बात होती है कहीं ना कहीं रीजनिंग से थोड़ा कम स्कोर ज्यादातर स्टूडेंट्स का रखता है, क्योंकि रीजनिंग और बेहतर होती है मैथ्स से ज्यादा। जिनका मैथ्स बहुत ही ज्यादा एडवांस है उनकी अलग बात है, अदरवाइज एक एवरेज बच्चे, एक जो एवरेज आप सबका निकालोगे तो रीजनिंग ज्यादा बेहतर तरीके से होती है। तो सबने ये तो देख लिया होगा कहाँ पे कितना स्कोर किसका, कौन सी शिफ्ट हार्ड है। हम बात करते हैं कि कट ऑफ जनरली कितना लगता है, कि कैसे जाएगी। देखिए जो हार्ड शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ और आप सोचो कि ये कट ऑफ तो ज्यादा हमारे नहीं है, तो हार्ड शिफ्ट वाले में नॉर्मलाइजेशन होना बहुत नॉर्मल सी बात है, तो आपको प्लस कुछ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मुझे लगता है कि जितनी भी जो कट ऑफ लगता है वो 56 से 62 के अराउंड रहेंगी, स्टेट वाइज अलग अलग, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ हमेशा से हाई रहती हैं। जैसे कि अगर आप बात करो भाई गुजरात की, जैसे आप बात करो उड़ीसा की, जैसे आप बात करो यूपी की, है ना, वेस्ट बंगाल की, इन सभी कट ऑफ हमेशा हाई रहती हैं। तो इनमें अगर हम, मैं हाईएस्ट की बात करूं तो ये उन वाले की है, और अगर हम नॉर्मल और स्टेट्स की बात करें जिनमें वैकेंसी ज्यादा है, तो 56 से 62 के बीच में वेरी करेगी किसी की 50। अब आप सोच रहे होंगे किसी के, मान लीजिए 54 53 बैठ रहे हैं हार्ड शिफ्ट वाले के, और आपको लग रहा होगा कि मैंने 56 कट ऑफ बताई है, तो देखिए यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन में जरूर फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है जिसका भी 50 से 52 के बीच में स्कोर हो रहा है, वो सभी मेंस के लिए, ऐसा कोई सा इंसान नहीं है जिसे मेंस की तैयारी छोड़नी चाहिए। आप मेंस के लिए, क्योंकि आप नॉर्मलाइजेशन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो या ना कट ऑफ को प्रेडिक्ट पूरी तरीके से। देखिए ये सिर्फ एक अंदाजे होते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्स दिए उस साल में किस पेपर के लेवल पे कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी अब जा रही है, उन सबको एनालिसिस के आधार पर सभी टीचर्स आपको ये बताते हैं। श्योर कोई भी नहीं बता सकता है जब तक कि रिजल्ट नहीं आता। हाँ इतना बता सकती हूँ जिसके 50+ है वो मेंस की तैयारी करे, और मेंस की तैयारी से पहले तो आईबीपीएस क्लर्क आ रहा है। अब दिक्कत आती है उन लोगों के लिए जिनके मैथ्स रीजनिंग तो अच्छी थी, वो आईबीपीएस में तो निकाल ले गए, लेकिन अब उनके लिए इंग्लिश एक बड़ा हर्डल है। यानी मैथ्स रीजनिंग तो कर लिया, बट कुछ लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक होती है, उनका मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा है, अभी वो आईबीपीएस में अच्छा स्कोर करे होंगे, अब उन्हें आईबीपीएस क्लर्क के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। तो देखिए इंग्लिश की मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, बहुत बेसिक रूल्स की, ग्रामर की कुछ चीजें मैं टिप्स ट्रिक्स बताऊंगी उसमें रीडिंग स्किल्स के लिए, और कुछ चीजें बताऊंगी आप जो रीअरेंजमेंट आता है उसको कैसे कर सकते हैं। छोटी छोटी सी ऐसी बातें जो आपके इंप्रूवमेंट दे सकती हैं आपके एवरेज स्कोर करने में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर बहुत वीक सब्जेक्ट है तो उसमें हाईएस्ट तो मैं नहीं बोल सकती, बट एक एवरेज स्कोर कर लेते हो आप रीजनिंग मैथ्स में अच्छा कर लेते हो तो आप उसमें निकल जाओगे, ठीक है ना। तो आप, मैं एक आईबीपीएस क्लर्क करके प्लेलिस्ट बना देती हूँ, जितनी भी आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड वीडियोज होंगी, चाहे वो रीजनिंग की चाहे वो इंग्लिश की, आपको उसमें मिल जाएंगी, तो तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाकी इसके लिए मैंने आपको बता दिया जो कट ऑफ है वो 56 से 62 के बीच में वेरी करने का मुझे प्रेडिक्शन लग रहा है, ठीक है। चलिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए अगर आपको लगता है कोई भी सजेशन, कोई भी आपको कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है रीजनिंग में या इंग्लिश में, स्पेशली कोई टॉपिक ऐसा है जो आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, आप मुझे कॉमेंट करिए, मैं सेम टाइम उस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।